stay with us. घर अपने आवास को किराए पे दे दें तो यू मे नेवर गेट इट बैक. सो दे वुड प्रिफर टू कीप द अकोमोडेशन लॉक्ड अप आफ्टर ऑल देयर इन्वेस्टमेंट मनी बींग स्पेंट ऑन रेगुलर अपकीप. और भी जो असेसमेंट्स हैं हमारे बारे, एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव यू ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एक IMF की स्टडी है विच सेज कि हमारी जो रेंटल मार्केट है इट इज वर्थ अबाउट $20 billion या 1.5 lakh crores. If the dollar is at 70 and it's 20 billion, 70 plus, then exactly. Yes, 72. Yeah, 72, 1,50,000 crores. 1947 में हमारी जनसंख्या थी करीब 350 मिलियन. जो हमारी 2011 के सेंसस है उसके बारे में, व्हाट इज दी ओवरऑल पॉपुलेशन यू नो, आवर अर्बन पॉपुलेशन इन 1947 वाज रफली 17%. दिस हैज स्टेडली गॉन अप टू अबाउट 30%. और 2021 के सेंसस के जो फिगर्स आएंगे, वी कैन आई थिंक द अर्बन पॉपुलेशन वुड हैव इंक्रीज्ड. बट द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आई वांट टू प्रोवाइड इज, ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, दिस प्रोवाइड्स ए मॉडल बोथ फॉर अर्बन एज वेल एज रूरल प्रॉपर्टीज. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट बोथ फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी. हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हैज बीन इंक्रीजिंग इन द रिसेंट मंथ्स. आपको याद होगा, आप में से कईयों के साथ हमारी चर्चा हुई है. अभी रिसेंटली, गोइंग बाय आर रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पैंडेमिक, हमने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम भी एक इंट्रोड्यूस की है. उससे पहले जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, द प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, वन ऑफ द लार्ज स्कीम्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री वॉज द प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें डिमांड असेसमेंट हमारी थी कि करीब हमें 1 करोड़ नए आवास बनाने होंगे अंडर द डिफरेंट वर्टिकल्स. फिर जब हमने रिवाइज की डिमांड असेसमेंट को तो द फिगर केम टू 1 करोड़ 12 लाख. उसमें से हमने शायद 1 करोड़ 11 लाख जो आवास है दैट वी हैव सैचुरेटेड, विच मीन्स दे हैव बीन सैंक्शन्ड, शायद उससे अधिक भी हो बिकॉज एवरी मंथ द फिगर गोज अप. इसमें से नियरली 48 लाख और 50 लाख होम्स हैव ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू द बेनिफिशरीज, और बाकी जो 50 लाख प्लस है उस पर भी बहुत जोरों से काम हो रहा है, और आने वाले महीनों में दे विल ऑल्सो बी हैंडेड ओवर टू द बेनिफिशरीज. सो एक हो गया हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर द अर्बन एरिया. द फिगर्स फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण are even more impressive. और उसके बाद affordable rental housing complexes, because हमारे जो अनुभव था महामारी के दौरान कि कुछ हमारे society में ऐसे sections हैं जैसे migrant workers who are very deeply affected by this. And you may not want to own a house everywhere. You own a house in your place of original residence in the rural area or the urban area, but when you go to seek work, so we have tried to overcome that through the affordable rental housing complex model, both model A and model B. And today the Model Tenancy Act will provide an overall regulatory framework how we will bring more empty and vacant units into the productive economic sphere. पहले लोग क्यों नहीं देते थे अपने आवास को किराए पे, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक बारी दे दिया किराए पे तो शायद मिले नहीं. तो अभी जो प्रोस्पेक्टिव है, जो पुराने चले आ रहे हैं पगड़ी सिस्टम पे, वी आर नॉट टचिंग दोज. एंड लेट मी रिमाइंड यू, वी हैड वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस.
एक माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक GOM बना था, मुझे याद है शायद सितंबर 2019 में। उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स उनके साथ चर्चा की, वी गॉट फीडबैक बोथ इन फ्रॉम रीजनल लैंग्वेजेस वर्नैक्युलर, और उसके बाद हमने ये नया मॉडल डिजाइन किया है। तो दिस टेम्पलेट और मॉडल टेनेंसी एक्ट विल अप्लाई टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, एंड द एफर्ट विल बी टू टेक पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स टू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट बिटवीन द बायर ऑफ अ सर्विस एंड द सेलर ऑफ अ सर्विस, विच इन दिस केस इज द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। It would be a written agreement with the terms and conditions to be determined by the landlord and the tenant. और जो पुराने सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम्स थी कि आप मान लीजिए कोई अपना आवास देता है किसी को किराए पे, भाड़े पे, और वो फिर खाली नहीं करता, और हमारे सिस्टम्स जो हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि खाली करवाना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो हमने एक बैकग्राउंड नोट आपके लिए बनाया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कॉलीग्स को कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सो आपके सामने होगा, इसको आप यू कैन गो थ्रू द मेन प्रोविजंस वेरी क्विकली। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन या रूल्स हैं, दे विल बी फ्री टू डिसाइड वेदर दे वांट टू अमेंड देयर एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन और इनएक्ट अ न्यू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज ओनली अ टेम्पलेट, इट्स अ मॉडल। इसमें कुछ कई बहुत सिग्निफिकेंट इनोवेटिव फीचर्स हैं, एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन इन पर्टिकुलर। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट या टाइम बाउंड एंड रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक रेंट अथॉरिटी होगी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्राइब्यूनल टू फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स 60 दिन के अंदर। अभी क्या होता है, मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट में डिसएग्रीमेंट हो तो आप यू सीक रिकॉर्स टू नॉर्मल लॉ कोर्ट्स, एंड यू नो द डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, अदर डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड। हियर यू वुड हैव अ डेडिकेटेड रेंट अथॉरिटी फॉर इंटीमेशन ऑफ the arrangement between the landlord and the tenant. This can be done digitally. You would have a rent court in case of any differences, and you would have a rent tribunal, a kind of an appellate thing. And this would operate at the level of deputy collector or at that level, up or down, depending on the number of cases, state governments and the union territories will be able to improvise. ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, दिस मैंडेट्स के आने वाले सब जो ऐसे एग्रीमेंट होंगे, दे वुड बी रिटन एग्रीमेंट्स। जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, दे वुड बी डिफाइंड सो दैट देर इज नो डिस्प्यूट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज प्रोविजंस। मॉडल टेनेंसी एक्ट में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की
बारे रेफरेंस है वो रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए 2 महीने का किराया और नॉन रेजिडेंशियल विच मीन्स कमर्शियल उसके लिए 6 महीने का किराया। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है और मैं मुझे पूरा विश्वास है आप सब एग्री करेंगे कि इस मॉडल टेनेंसी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन से लैंडलॉर्ड्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा टू मोर रेडिली पुट देयर प्रेमिसेस ऑन रेंट विच विल हैव अ ड्यूअल एडवांटेज। एक तो एन एसेट विच हैज बीन क्रिएटेड एंड विच इज लाइंग डॉर्मेंट सडनली बिकम्स अ एक्टिव प्रोडक्टिव एसेट और मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो मीन्स कि द कंट्रीज कंट्री बेनिफिट्स। द सेकेंड इज दैट अगर आप में यह विश्वास आता है कि आपके पास एसेट है उसको आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं तो और लोग भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे ईदर थ्रू द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम और इन जनरल टू बिल्ड यूनिट्स फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज एज पार्ट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स जो मैंने बताया जो हमारा 2011 का सेंसस है उसके अनुसार 1 करोड़ से अधिक यूनिट्स ऑलरेडी हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये जो आपको बैकग्राउंड नोट आपके लिए बना के दिया है उसमें हमने हमारी जो असेसमेंट है मैं आपको जरा आई जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू इट ब्रीफली एंड देन आई एम हैप्पी टू एक्सचेंज ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन मॉडल टेनेंसी एक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट जो हमारी मिनिस्ट्री कवर करती है। द MTA वुड इंश्योर फार्मोलाइजिंग द शैडो मार्केट ऑफ रेंटल हाउसिंग। शैडो मार्केट क्या होती है इसके बारे जानकारी नहीं है, लोगों ने अपने कोई अरेंजमेंट्स किए हुए हैं पहले से, कोई किसी ने पगड़ी लेके दिया हुआ है, कोई 2 रुपए रेंट लेता है, दैट इज नीदर ट्रांसपेरेंट नॉर हेल्दी। अब जो है पीपल विल डू इट मोर ओपनली बिकॉज देयर इज द फोर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल प्रोविजंस और डिस्प्यूट सेटलमेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी एक नया बनाया गया है जिससे आप मान लीजिए अगर डिस्प्यूट होता है तो आप खाली भी करवा सकते हैं। ईज रिमूव एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, आई हिंटेड एट दैट, रिड्यूस प्रोसीजरल बैरियर्स इन रजिस्ट्रेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन विच वुड हेल्प इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स इन द सेक्टर बिसाइड्स इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग स्टॉक। सो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं अर्बन या शहरी क्षेत्र में, सारी ये जो योजनाएं बनाई गई थी पुरानी जो पिछली UPA की सरकार थी उसके समय 10 वर्ष में शायद हमारा सारा अर्बन योजनाओं पे जो एक्सपेंडिचर था वो था करीबन 1,57,000 1.57 lakh crores। हमारी जो मोदी जी की सरकार के 7 साल हुए हैं दिस एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप 11.84 lakh crores। सो हाउ मेनी टाइम्स डज दैट मेक इट अ गुड 7 times। और समय भी कम है, वो 10 साल में 1.57 lakh crores, हमारा 11.84 lakh crores। दिस इज जस्ट द अर्बन पार्ट। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 1,12,00,000 आवास तैयार किए गए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज अनदर वेरी सिग्निफिकेंट न्यू स्टेप, एंड दिस प्रोवाइड्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस। So I'll stop here and I'll be very happy to take questions on this or any other subject. Please, yeah, Deepak. नहीं नहीं मास्क पहनना जरूरी भी है। तो one thing that you talked about कि no पगड़ी वाला जो इशू
वो तो पुराने आ गया है। No, it's a very simple thing. We've been grappling with this problem now for as long as I remember that I've been a minister. And I want to share with you, मेरे मंत्रिमंडल के में शामिल होने के कुछ ही देर बाद, मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2017, जब अरुण जी वित्त मंत्री थे, मैंने उनके कमरे में मीटिंग्स अटेंड की हुई है एटसेट्रा। तो ये दिस हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। तो एक चीज जो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वी आर डीलिंग हियर विद जो यूनिट्स वेकेंट पड़े हैं ऑलरेडी। जो पगड़ी वाली बात आप कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है, वो आर नॉट वेकेंट दीपक, दोज आर ऑलरेडी, देर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस। अब ना आप दिल्ली का, आप मेरी दिल्ली की पैदाश है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, एंड एनीबडी फेमिलियर विद दिल्ली नोज दोज आर ओल्ड ट्रेडिशनल अरेंजमेंट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स विच हैव सर्वाइव्ड मल्टीपल जनरेशन। सो दिस इज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ those which are vacant to make them productive. So that is the answer. And isme bilkul clear ho gaya. See, pehle jab hum model tenancy act lane wale the, bahut logon ne kaha isko mat kariye, isme ye problem. Are bhai, problem hai 2011 ke figures ke anusar ke 1 crore se adhik already vacant pade hain, aur 2011 ke beech mein aur 2021 ka jab census ke figures aayenge, wo 1 crore may have gone up to what, I don't want to guess. As I said in another press conference, I am very careful with figures. If it is 1.57 lakh crores, I don't want to make it 1.58. So it's a very high figure. So hua kya hai, jin logon ko hamare behan bhai jo chahte hain, who come looking for work, unko rehne ki jagah nahi milti. Jab unko rehne ki jagah nahi milti, they have a tendency to go into what are called informal settlements. Informal settlements kaun se hain? Jinko aap hamari bhasha mein slums kehte hain. To hamare puri koshish hai ki informal, unauthorized jo colonies hain, एक तरह से उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, जिसके बारे में वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन। तो आइडिया इज टू टेक देम इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर ऑफ अ सर्विस, व्हिच इन दिस केस इज द टेनेंट हु इज द वांटिंग द प्रेमिसेस एंड दिस थिंग, एंड यू हैव ए सिस्टम दीपक इन विच इट विल बी ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी म्यूचुअली अग्रीड विद। मान लीजिए मेरे पास एक आवास है और आप में से कोई उसमें टेनेंट बनना चाहता है, तो वी सिट एंड टॉक, ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशन, और उसमें वी डिफाइन द ड्यूरेशन एंड देन वी बिल्ड इन सेफगार्ड। पहले होता था, अच्छा सर मैंने साइन भी कर लिया पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव अ न्यू रेंट अथॉरिटी वेयर इट इज इंटीमेटेड, अगर आप एक प्राइवेट अपना आवास रेंटल पे लेंगे, बट यू हैव टू इंटीमेट टू एन अथॉरिटी, then you have their terms and conditions will be defined, and there is a dispute redressal mechanism jisse aap khali kara jaye. To mujhe pura vishwas hai, is pe bahut humne kaam kiya. Ye hamari jo maniye grah mantri ji ke adhyakshta mein thi us samay, uske baad humne state se bhi baat ki, ye jo humne tarika nikala, this is a very clean way in which all these non